सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी। आज बात करेंगे जनपद मथुरा की, और जनपद मथुरा की अगर हम बात कर ले तो ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, और जब ही से देखा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान भी ग्वाला थे और गऊ को चराते थे, लेकिन आज कुछ उसके विपरीत होता जा रहा है। लोग गायों को पालना भी पसंद नहीं कर रहे। बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गायों का दूध पी लेते हैं और उसके बाद गायों को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आज जनपद मथुरा के बरसाना में पहुंचा हूं। बरसाना में पता लगा कि यहां पर एक श्री माता जी की गौशाला है, श्री माता जी की गौशाला है। और गायों की अगर हम बात कर लें तो लगभग जो मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे ये सब टोटल गाय हैं, और केवल एक बाड़ा यही गायों का नहीं है। यहां पर ऐसे ना जाने कितने बाड़े हैं। लगभग अगर गायों की हम बात करें तो यहां पर 60 से 70 हज़ार गायें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे मित्र हैं, मिल गए थे उनसे हमने अभी बातें की, राहुल चौहान नाम है, उनसे भी हम जानेंगे। राहुल जी जरा इधर आओ। राहुल जी, कब से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हो? महाराज जी, मैं यहाँ करीब 6-7 महीनों से हूँ। 6-7 महीने से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हो, क्या मतलब किस तरीके से? यहाँ पर जो हम अगर गायों की बात कर लें तो यहाँ पर यह 70 से 80 हज़ार गाय, 60-70 हज़ार गाय लोग बताते हैं, तो कितनी गायें होंगी? 60 से 70 हज़ार के बीच ही गाय हैं। वैसे काउंटिंग नहीं होती, बट जब काउंटिंग हुई थी तो लास्ट 60,000 अबव थी। हाँ, 60,000 प्लस में थी, 60,000 प्लस गाय यहाँ पर थी जब काउंटिंग हुई थी, हालांकि काउंटिंग नहीं हो पाती। अच्छा, यहाँ पे जो मंथली खर्चा आ जाता होगा वो कितना आ जाता होगा? महाराज जी, मंथली का तो नहीं पता, पर डे के जो यहाँ के एक्सपेंसेस हैं गौ माताओं का, खाने का, चारे का, तो लगभग ये जो सुनने में आता है 30 से 40 लाख का पर डे का खर्चा है। 30 से 40 लाख रुपए पर डे का खर्चा है गायों को पालने के लिए। अच्छा, यह जो गायों को रख रखाव रहता है वो किसकी जिम्मेवारी पर रहता है? महाराज जी देखिए, वैसे तो यहाँ जो भी काम करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, वो तो सभी जिम्मेदार हैं अपने अपने कार्यभार को लेके, पर जो मेन रख रखाव है वो श्री माता जी गौशाला और श्री मान मंदिर सेवा संस्थान ट्रस्ट है, तो वही सब संभालते हैं। बाबा जी यहाँ के पूज्य श्री रमेश बाबा जी संभालते हैं सारा, तो सब रख रखाव यहीं से होता है। रमेश बाबा है जो पूरी गौशाला को 60 से 70 हज़ार गाय हैं और ये संभालते हैं। और गायों का अगर एक बार मैं आपको दिखा दूं तो इनका रख रखाव बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि गाय किसी तरीके से वैसे भी कोई ऐसा कि भूसा नहीं मिल रहा या न्यार नहीं मिल रहा, हरा चारा नहीं मिल रहा, पूरे का पूरे भूसे की व्यवस्था है, और गाय कहीं से भी देखने में कमज़ोर प्रतीत नहीं होती। हालांकि अगर हम हिंदुत्व की बात कर लें और हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में लोग गाय का महत्व भूल चुके हैं। हालांकि अगर दूसरे हम देशों की बात करें, जैसे अमेरिका हो गया या यूएसए में, दूसरे देशों की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर गाय के द्वारा, फिजियोथेरेपी द्वारा भी इलाज किया जा रहा है। यानी कि गायों से बताया जाता है कि गाय अगर घर में हो तो, और उसको गले से भी अगर हम लगा लें तो उससे भी काफ़ी बीमारी दूर चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदला जा चुका है। लोग गायों को पालना पसंद नहीं करते। अभी उत्तर प्रदेश में जब 2017 से मैं पहली बात करूंगा, 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, उस समय हिंदुओं में एक नारा था, गो हमारी माता है। नारा आज भी है, नारा जब भी था और नारा आज भी है, गो हमारी माता है, और गाय को हम कटने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। लेकिन आज वही हिंदू उस गाय को छोड़ने पर मजबूर हुआ। आखिर क्या था कारण, क्या है वजह, ये भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, गाय को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है, गाय को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि मैं खुद स्वयं अपने घर में 8 से 10 गाय रखता हूँ, 8 से 10 गाय इस समय हैं, हालांकि वो दूध भी, कुछ गाय दूध भी नहीं दे रही है, लेकिन कुछ लोग करते क्या है कि दूध पिया और गाय को छोड़ दिया। भाई जब आप लोग उसका दूध पीते हैं तो आप लोग उसको छोड़ते क्यों हो? 2017 में सरकार बनी गाय के नाम पर, लेकिन हालांकि बताया जाता है जब ग्रामीण लोगों से भी और शहरी क्षेत्रों में भी हम सर्वे करते हैं तो पता लगता है कि आने वाले 2022 जो विधानसभा चुनाव आने वाला है इसमें भी योगी सरकार द्वारा से बनने जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकता हमें दिखाई देता है, और उसका एक कारण निकल के आता है। हर कोई व्यक्ति कहता है कि हम गायों से परेशान हैं, गाय योगी आदित्यनाथ ने छोड़ने आए नहीं थे। आखिर गाय इस तरीके से क्यों और क्या वजह है कि जो गाय छोड़ी जा रही है, इन सब बातों पर भी विशेष चर्चा होनी चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को गाय को नहीं छोड़ना चाहिए, और उसको इस तरीके से यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार यहाँ पर गाय हैं, और ये गाय का रकबा केवल फील्ड यही नहीं है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पीछे की तरफ थोड़ा घुमाएं कैमरे को, इधर घुमा दें और इधर से इधर ले जाएं। ये जो टोटल पूरा लगभग एरिया होगा, ये लगभग राहुल जी एरिया कितना है? महाराज जी यहाँ 200 से 300 करीब एकड़ के, 200-300 एकड़ से ज़्यादा ही करीब, 200 से 300 एकड़ भूमि में
ये गौशाला बनी हुई है और यहाँ पर कहीं ना कहीं खाने की भी इंतजाम बंदोबस्त होते ही हैं। 30 से जब 40 लाख रुपए यहाँ पर खर्चा पर डे आता है, 30 से 40 लाख रुपए यहाँ पर खर्चा आता है, तो व्यवस्था गायों के लिए की गई है। और अगर हम गायों की तरफ भी देख लें, कोई भी गाय हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि कोई गाय कमज़ोर है, सभी गायें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अभी हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, थोड़ा और पीछे की तरफ चलते हैं और गायों को देखते हैं। ये सब गायें हैं, ये जहाँ तक निगाह जाएगी और जहाँ तक कैमरा देख सकता है वहाँ तक केवल गायें हैं। तो हर किसी हिंदू को अपने घर में गाय रखनी चाहिए, और जब गाय हर एक हिंदू अपने घर में रखना शुरू कर दे तो गाय का जो लोग छोड़ रहे हैं, जो फसलों का नुकसान है, वो काफ़ी हद तक रुक सकता है। समर इंडिया के लिए बरसाना मथुरा से अनुज कुमार गोस्वामी।